खामोशिया बेचैनिया रादानिया। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियां। आइए आइए ममता मई माता सुषमा रानी जी, आपका स्वागत है, स्वागत है। हाँ हाँ आइए आइए ना, मम्मी जी ने अपने हाथों से व्रत का खाना बनाया, ये देखिए लौकी का जूस, करेले का हलवा, एकदम सीधा सादा खाना। हाँ माता जी, आप हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, हमें तो बस चंदा दीजिए, हम चलें। जय माता दी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम दो दिन से यही खाना खा रहे हैं, आप कैसे बच सकती हैं? माता जी मैं अभी खाना लगाती हूँ, पुण्य मिलेगा। तुम लोग भी व्रत करो, माता रानी करेगी दूर परेशानी। हमारी सबसे बड़ी परेशानी तो आप है। क्या? नहीं नहीं, अब इनका कहने का मतलब है कि हमारी परेशानी ये खाना है जो आपने मम्मी जी से कह के बनवाया है। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि व्रत भी हो जाए और अच्छा खाना भी मिले, जैसे कि गोलगप्पे। नहीं नहीं, ये व्रत है, इसके नियम है कड़े, जो नहीं पालेगा उस पर विपत्ति पड़े। तान्या, तब तो हम चंदा भी नहीं दे पाएंगे ना। सही में चंदी दी। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ऐसा व्रत करने का कोई फायदा नहीं है जिससे हमें तकलीफ हो, तो इसलिए हम ये व्रत तोड़ रहे हैं। और जब व्रत ही नहीं कर रहे तो पाप तो लग ही जाएगा ना, तो फिर दान भी देने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, व्रत तो इंसान के लिए बना है, वैसे भी तो अच्छा खाना पूजा के प्रसाद में भी बनता है। क्या बात है, तो उसे खाने से भगवान नाराज थोड़ी होते हैं। सच? हाँ, व्रत का सारा पुण्य दान में मिल जाता है। ओके ओके, तब तो हम आपको 5,000 रुपए का दान दे देते हैं। पर चंदू जी, एक परेशानी और है कि मम्मी जी बहुत डीपली घुस गई हैं इस व्रत में, अब हम उन्हें कैसे मनाएं अच्छा खाना बनाने के लिए? उन्हें मैं मना लूंगी। सच? तब तो बात बन जाएगी, आप बस ना उनसे एक बात और कह दीजिएगा। क्या? यही कि वो पटियाला चली जाए, तब ना उन्हें और पुण्य मिलेगा। हाँ ठीक है। व्रत का भोजन ग्रहण कीजिए और हमें पुण्य के भागी बनाइए। अब ऐसा खाना खाने की जरूरत नहीं है। पर ममता मई माता सुषमा रानी जी, ऐसा खाना खाने में क्या त्याग? अब त्याग किसी और चीज का करने से पुण्य मिलेगा। कौन सी? दिल्ली शहर का। अगर तू करेगी दिल्ली शहर का त्याग तो खुल जाएगा तेरा भाग। उफ, इसका मतलब है मुझे पटियाला जाना होगा? हाँ। जैसा ममता मई माता सुषमा रानी जी का आदेश, मैं चलती समस्या के समाधान के लिए और पुण्य कमाने के लिए मेरा ये त्याग बहुत जरूरी है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। करने दे मुझे ये त्याग। मम्मी जी, आपको त्याग करना होगा, लेकिन अपने अंधविश्वास का। ये औरत भगवान के नाम पर आपको बेवकूफ बना रही है। हमने इसको बोला था कि आपको पटियाले जाने की सलाह दे, तभी इसको दान के पैसे देंगे। ममता मई माता सुषमा रानी जी, ये क्या कह रही है? पता नहीं। मम्मी जी, ऐसे पाखंडी भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करते। जहाँ पैसे देखे नहीं कि पार्टी ज्वाइन कर ली, जैसे थोड़े से पैसे के लालच में इसने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। सुषमा तू? हाँ मम्मी जी, असली पुण्य तो तब मिलता है जब हम अपना लालच त्यागते, अपनी नफरत त्यागते। खाना त्यागने से पुण्य नहीं मिलता मम्मी जी। हे बाबा जी, मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसका मतलब है कि आपने वो त्याग वाला आइडिया कैंसिल कर दिया? त्याग तो करना पड़ेगा इस सुषमा को अपने प्राणों का। देखा मम्मी जी, हमने आपको बेवकूफ बनने से बचा लिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है ना, तू मेरी बात काटती ना, तुझे सुधारने के लिए मुझे ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता। माता रानी,
मुझे माफ कर देना और इस निकम्मी बहू को सुधारने के लिए कोई और तरीका बताना। ए, मेरे लिए काजू बादाम वाला शरबत लेके आ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। जीना चाहता है इनका त्याग कर दूं। खामोशियां बेचैन